गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सच्चिदानंद सिंह। आज हमारा आप लोगों के साथ पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले ये बता दें कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट का नाम है फार्म मशीनरी एंड पावर। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर होगा और पहला टॉपिक है सिलेबस का सोर्सेस ऑफ फार्म पावर एंड इट्स स्टेटस इन इंडिया। फार्म पावर के सोर्सेस क्या हैं और इसका स्टेटस हमारे भारत में क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फार्मिंग ऑपरेशन नीड सम टाइप्स ऑफ पावर यूनिट एट द फार्म टू ऑपरेट मशीनरीज। ठीक है, फार्मिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें पावर की आवश्यकता होती है। जो भी हम फील्ड में कटाई, जुताई, बुआई करते हैं उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पावर की। जैसे कि हम अगर करेंगे सीड बेड प्रिपेयर, तो सबसे पहले हम करेंगे जुताई, खेत की कल्टीवेशन, फिर उसकी पडलिंग करेंगे, उसके बाद हम सीड सोविंग करते हैं, तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फार्म पावर की। और सेकेंड वन होता है सोविंग। सोविंग मतलब जब हम बीज की बुआई करते हैं तो उसमें भी फार्म पावर की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट वन है वाटर पंपिंग। मतलब कि वाटर पंपिंग मीन्स वाटर मतलब पानी अगर हम कुएं में से निकाल रहे हैं तो भी पावर की ज़रूरत है। यदि हम पंप सेट से निकाल रहे हैं, ट्यूबवेल से, मतलब किसी भी इक्विपमेंट से निकाल रहे हैं, तो हमें फार्म पावर की ज़रूरत पड़ती है। और अगला है स्प्रेइंग। स्प्रेइंग मीन्स अगर हम फसल पे खरपतवार नाशी जो भी चीज़ छिड़काव कर रहे हैं तो स्प्रेइंग कहलाता है। कोई चीज़ छिड़काव करना फसल पे उसे स्प्रेइंग कहते हैं। तो स्प्रेइंग अब बैटरी ऑपरेटेड है, मैनुअली ऑपरेटेड है, तो क्या है, स्प्रेइंग करने के लिए फार्म पावर की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट वन है इंटरकल्चर। मतलब खड़ी फसल में, खेत में जब फसल खड़ी हो गई है तो उसके बीच कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? इंटरकल्चर। तो उसमें भी क्या है? फार्म पावर की ज़रूरत पड़ती है। हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई करने के लिए फार्म पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हार्वेस्टर से अगर हम कटाई कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज हो रहा है? फार्म पावर। आप देखे होंगे ट्रैक्टर द्वारा हार्वेस्टर चलता है या कंबाइन हार्वेस्टर चलता है, तो उससे हम क्या करते हैं? फसल की कटाई करते हैं, तो उसमें भी फार्म पावर की ज़रूरत पड़ती है। थ्रेसिंग, फसल की थ्रेसिंग करने के लिए, जैसे कि गेहूं है, हम हार्वेस्टिंग कर लिए, थ्रेसिंग करना है तो हम थ्रेसर को कैसे चलाएंगे? फार्म पावर से। तो फार्म पावर थ्रेसिंग में भी उपयोग होता है और प्रोसेसिंग। अब मान लीजिए गेहूं है, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, उसके बाद हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग मीन्स गेहूं जब थ्रेसिंग हो गया उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और पैकेजिंग करेंगे, तो वो क्या हुआ? गेहूं की प्रोसेसिंग हो गई। तो इन सब कार्यों को करने के लिए फार्म पावर की आवश्यकता पड़ती है। सोर्सेस ऑफ फार्म पावर। फार्म पावर के सोर्स क्या हैं? देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया विच आर क्लासिफाइड एज। मतलब कि इंडिया में बहुत सारे सोर्सेस हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें पहला है ह्यूमन पावर। ठीक है, ह्यूमन पावर मीन्स कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर लेबर हम लगाते हैं, मतलब आदमी कोई भी कार्य करता है, तो वो क्या है? ह्यूमन पावर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर ऑपरेटिंग स्मॉल इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स। मतलब कि ह्यूमन पावर क्या है? बहुत ही आवश्यक सोर्स है छोटे वाले इम्प्लीमेंट और टूल्स उपयोग करने के लिए। जैसे कि छोटे इम्प्लीमेंट मतलब हो गया कि खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, तो ये सब इम्प्लीमेंट जो है मैनुअली ऑपरेटेड हैं, जिसे आदमी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ह्यूमन पावर स्टेशनरी वर्क में भी यूज होता है, जैसे कि चाफ कटिंग। चाफ कटिंग मीन्स चारा काटना, आप लोग जानते हैं सबके लगभग घर पे चाफ कटिंग मशीन होगा। कुछ पावर से ऑपरेट होते हैं, कुछ आदमी द्वारा चारा काटा जाता है। और दूसरा है लिफ्टिंग वाटर। लिफ्टिंग वाटर मीन्स ट्यूबवेल से पानी निकल रहा, वो लिफ्टिंग वाटर नहीं। आप किसी जगह से, मान लीजिए एक टैंक है, उसमें से बकेट में पानी लिए और उठा के दूसरी
स्थान पर रखे तो वो क्या हो गया, वाटर लिफ्टिंग करने के लिए। और थ्रेसिंग, विनोविंग, विनोविंग मतलब कि जैसे थ्रेसिंग हो गया अनाज हमारा, तो विनोविंग मतलब कि हवा करके गेहूं को साफ करना, मतलब क्लीन करना ही विनोइंग कहलाता है। ठीक है। एंड एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 75 वाट। ठीक है, एक एवरेज आदमी मैक्सिमम कितना पावर डेवलप कर सकता है, 75 वाट, विच इज इक्वल टू 0.1 हॉर्स पावर। ठीक है, मीन्स 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है ह्यूमन पावर के, मतलब कि इसकी एडवांटेज क्या है, इट इज ईजली अवेलेबल, मतलब यह हर खेत में बहुत ही ईजली तरीके से अवेलेबल हो जाता है। जिसके पास फार्मिंग हो रहा है उसके पास ह्यूमन पावर अवेलेबल रहता है। ठीक है, लेबर है गांव से पकड़ लिए, ह्यूमन पावर अवेलेबल हो गया। ठीक है, और सेकेंड वन है यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क, जैसा कि हमने बताया कि ये स्मॉल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, और टूल्स के लिए ह्यूमन पावर सुटेबल है, और स्टेशनरी वर्क जैसे चाप कटिंग, मीन्स ये सब कार्य करने के लिए ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा सुटेबल है। तो ये लगभग सभी प्रकार के कार्य करने के लिए सुटेबल है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो कास्टली पावर कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पावर, मतलब यह बहुत ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू दूसरे पावर के अकॉर्डिंग, मीन्स कि जैसे हमारा मैकेनिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इन सबसे क्या है ये ज़्यादा कास्टली है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैकेनिकल पावर है, तो मैकेनिकल पावर में आता है ट्रैक्टर हमारा आ गया, मान लीजिए मैकेनिकल पावर है, हमें 1 हेक्टेयर की गेहूं की फसल लगी है उसकी हमें कटिंग करना है, मीन्स हार्वेस्टिंग करना है, गेहूं को काटना है, हम लगा दिए 10 लेबर। ठीक है, हम क्या है कि ह्यूमन पावर लगा दिए 10 लेबर, मान लीजिए एक आदमी का लेबर चार्ज इस समय मिनिमम 300 रुपये है, तो पर डे हमारा 10 लेबर लगाया तो कितना हो गया, 3000 हो गया। जबकि 1 हेक्टेयर गेहूं काटने में कम से कम 10 लेबर लगाएंगे समय 10 दिन, इससे कम तो लगेगा नहीं, मतलब कि 3 × 9000 लगभग हमारे आ गए। ठीक है, सॉरी 30,000, 3 × 30,000, 10 दिन लगा दिए 10 लेबर तो 30,000, 1 हेक्टेयर गेहूं की खेत की कटाई करने में लगभग हमारा 30,000 खर्चा आया, किससे, ह्यूमन पावर से। लेकिन हम ट्रैक्टर लगा दिए, ठीक है, हार्वेस्टर लगा दिए, उसने क्या किया 5-6 घंटे में 1 हेक्टेयर का पूरा गेहूं काट के रख दिया, और उसका चार्ज लगभग आएगा 2,000-5,000, मैक्सिमम 5,000 तक आएगा। तो ह्यूमन पावर क्या है, बहुत ज़्यादा कास्टली है। ठीक है, कास्टली पावर है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, वेरी लो इफिशियंसी, वेरी लो इफिशियंसी मतलब इसकी योग्यता बहुत कम है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 लेबर लगा दिए, ठीक है, कोई मालिक है अपने खेत में 2 लेबर लगा दिया, अब मान लो किसी खेत की वो करनी है गुड़ाई करनी है, तो मालिक है वहाँ पे, तब तक तो लेबर है अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो भी कितना भी अच्छे से काम करे लगातार काम नहीं कर सकता, वो टायर्ड हो जाए, मतलब थक जाएगा, वो बैठ जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, धीमी भी हुई और कम भी हुई कंपेयर टू अदर पावर से। ठीक है, अगर हम दूसरे पावर की तुलना में ह्यूमन पावर का उपयोग करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम रहेगी। ठीक है, और लास्ट वन है अफेक्टेड बाई वेदर कंडीशंस एंड सीजन, और ये मौसम के बदलाव के साथ ये अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अगर मौसम चेंज हो रहा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, ठीक है, अभी हमारे यहाँ ठंडी आने वाली है, तो पहले जो लेबर थे गर्मी में कितने बजे तक काम करते थे, 6 बजे तक। ठीक है, अब क्या होगा कि 5 बजे लगभग अंधेरा सा हो जाएगा, तो क्या होगा कि 1 घंटा पहले ही काम बंद करके चले गए घर। तो ये जब मौसम चेंज होता है तो ये अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। दूसरा है एनिमल पावर, एनिमल पावर जो है पावर डेवलप्ड बाय एन एवरेज पेयर्स ऑफ बुलक्स। ठीक है,
पावर डेवलप्ड बाई एन एवरेज पेयर ऑफ बुलक्स इज अबाउट 750 वाट। ठीक है, ये देखिए 750 वाट। कहने का मतलब ये है कि एक दो जोड़ी बैल कितने पावर जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम 750 वाट। ठीक है, अभी हमने पीछे बताया था कि 1 HP इक्वल टू मीन्स 1 horsepower इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, तो जब ये 750 वाट दो जोड़ी बैल पावर जनरेट कर सकते हैं जो इक्वल टू है 1 horsepower के। ठीक है, फॉर यूजुअल फार्म वर्क, किसी भी कृषि कार्य को करने के लिए दो जोड़ी बैल जो है कितने फार्म पावर जनरेट कर सकते हैं, 750 वाट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया चुका है, तो इसको ध्यान से बच्चे देखेंगे। 750 वाट दो जोड़ी बैल पावर जनरेट करते हैं कोई भी कृषि कार्य करने के लिए। ठीक है, बुलक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स फार्म वर्क इन ऑल सीजन। किसी भी मौसम में बैल प्रयोग में लाए जा सकते हैं कोई भी कृषि कार्य करने के लिए। बिसाइड बुलक्स एंड बुफेलो अदर एनिमल्स लाइक कैमल्स हॉर्स डंकीज एंड एलिफेंट्स आर आल्सो यूज एट सम प्लेस। मतलब कहने का ये है कि बैलों के अलावा जो हमारे कैमल्स मीन्स ऊँट हैं, घोड़े हैं, डंकी मीन्स गधे हैं और हाथी हैं, ये सब भी कहीं दूसरी जगह पर कृषि कार्य के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, द एवरेज ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट फॉर फार्म वर्क इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि एक एनिमल जो है कि अपने शरीर का 1/10 भाग, ठीक है, वो ड्राफ्ट एक्सर्ट कर सकता है, मतलब कि वो खींच सकता है कितना, 1/10। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसमें इस पावर के जो है एनिमल पावर की अच्छाइयाँ क्या क्या है, ईजली अवेलेबल होता है। ठीक है, एनिमल मान लीजिए अब तो सभी घर पे नहीं है, लेकिन जैसा कि पहले जो हमारा आज से 10 साल पहले लगभग कृषि था वो टोटल एनिमल बेस्ड था। ठीक है, मतलब कि वो टोटल हमारा एनिमल पे ही डिपेंड रहता था, कृषि जुताई से लेके मढ़ाई से लेके मतलब सारे कार्य एनिमल के सहायता से ही किए जाते थे कृषि के। तो ये क्या था, ईजली अवेलेबल है, यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, एनिमल पावर का हम सभी कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। सभी कार्य के लिए कहने का मतलब कि प्लाउजिंग में कर सकते हैं, प्लाउजिंग मीन्स जुताई, खेत की जुताई करनी हुई, दो जोड़ी बैल ले लिए और जुताई चालू कर दिए। ठीक है, पहले ज़माने में थ्रेसिंग भी बैलों से की जाती थी, अब तो थ्रेसर्स आ गए हैं, कंबाइन हार्वेस्टर आ गए, हार्वेस्टर ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो इसका प्रचलन कम हो गया है। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब दो जोड़ी बैल खरीदने में जो हमारा इनिशियल मतलब प्रारंभिक पूंजी है, जो प्रारंभिक धनराशि में खर्च करना है वो बहुत कम करना होता था कंपेयर टू अदर फार्म पावर से। ठीक है, और सप्लाईज मैन्यूर टू द फील्ड, जो इसके गोबर होते हैं डायरेक्ट हम फील्ड में सप्लाई करते हैं जिससे हमारे जमीन की उत्पादकता बढ़ती है, तो ये एनिमल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अब हमारा एग्रीकल्चर जो है कि यूरिया डाई बेस्ड केमिकल बेस्ड हो गया है। ठीक है, पहले क्या था कि एनिमल के मैन्यूर को हम फील्ड में डायरेक्ट प्रोवाइड कराते थे और अपने हम खेत की उत्पादकता बढ़ा लेते थे, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, दे आर नॉट वेरी इफिशियंट। कहने का मतलब है कि इफिशियंट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पहले ज़माने में जब बैल से जुताई होती थी तो देखते थे कि बहुत धीरे धीरे वो खेत को जोतते थे और जोतने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते थे, लेकिन अब क्या है, ट्रैक्टर द्वारा हम कल्टीवेटर लगाए और 1 घंटे में बहुत ज़्यादा ज़मीन की जुताई कर दिए। और दूसरा क्या है, सीजन एंड वेदर इफेक्टेड द एफिशिएंसी,
सेम चीज़ वही है कि बरसात के मौसम में ये अच्छे से खेत में वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली, ये लगातार काम नहीं कर सकते, मीन्स 3-4 घंटे बैल से काम लिए इसके बाद ये थक जाते हैं, तो क्या चाहिए इन्हें, रेस्ट चाहिए जी। कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली मतलब ये लगातार काम नहीं कर सकते हैं। तीसरा है हमारा मैकेनिकल पावर, जो कि एग्रीकल्चर में इस समय एग्रीकल्चर का हमारा ये सबसे मेन सोर्स है मैकेनिकल पावर, ठीक है। बिना मैकेनिकल पावर के आज के समय में कृषि लगभग असंभव सा है। इट इंक्लूड, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ट्रैक्टर आता है, पावर टिलर्स आता है, ऑयल इंजन। ऑयल इंजन दो प्रकार के होते हैं, डीजल और पेट्रोल इंजन, ठीक है। ट्रैक्टर मैकेनिकल पावर में सबसे पहला है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होता है, सबको पता होगा, सब लोग देखते हैं, हर जगह एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर का उपयोग है। जुताई करना हुआ खेत की तो ट्रैक्टर, कट हार्वेस्टिंग करना हुआ मतलब कटाई करना हुआ फसल की तो ट्रैक्टर का उपयोग है। ट्रांसपोर्ट करना हुआ तो ट्रैक्टर का उपयोग, मतलब ट्रैक्टर का उपयोग हर जगह हो रहा है इस टाइम कृषि में। अब पावर टिलर, दूसरा है पावर टिलर्स। पावर टिलर से हम जुताई कर सकते हैं खेत की, ठीक है, स्प्रेइंग कर सकते हैं, सीड सोविंग कर सकते हैं। तो पावर टिलर्स भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है कृषि में। और तीसरा है ऑयल इंजन। ऑयल इंजन से हम मैक्सिमम स्टेशनरी जो मशीन रहते हैं, मतलब जो एक जगह स्थित रहते हैं, उन मशीनों का प्रयोग करते हैं, जैसे थ्रेसर्स। हमारे पास मान लीजिए एक ऑयल इंजन है, उसमें हम साफ के द्वारा कई पुली जोड़ लिए, ठीक है, तो हम पट्टे की सहायता से इंजन का पावर उस साफ्ट में प्रोवाइड करा के पुली लगा के हम थ्रेसर चलाते हैं, चारा काटने वाली मशीन चलाते हैं, ठीक है, और वाटर लिफ्ट करने वाली वो पंप चलाते हैं। मतलब ऑयल इंजन का उपयोग मैक्सिमम स्टेशनरी मशीन को ऑपरेट करने में किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा सक्षम होता है कार्य करने में, ठीक है। इस पावर के माध्यम से हम कोई भी कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, नॉट अफेक्टेड बाई वेदर्स, मतलब मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसमें कमियां क्या क्या है, इनिशियल कास्ट इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, मतलब जो हमारा प्रारंभिक कास्ट है, मान लीजिए एक ट्रैक्टर हमें खरीदना है तो इनिशियल कास्ट हमारे पास कितना होना चाहिए, कहने का मतलब है कि इसका जो प्रारंभिक पूंजी जो हम धन लगाएंगे मैकेनिकल पावर पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा है फ्यूल इज कास्टली, जो हम फ्यूल लेंगे मतलब ईंधन लेंगे वो बहुत ज़्यादा महंगा है। इस समय देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम जो है कि आसमान छू रहे हैं, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। नीड्स टेक्निकल नॉलेज फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसको रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है इलेक्ट्रिकल पावर, फार्म पावर के अंतर्गत चौथा क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, और चौथा है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज द मोस्टली यूज फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल मोटर्स इन द फार्म। इलेक्ट्रिकल पावर किस लिए ज़्यादा यूज होता है, ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल मोटर्स, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए ही इलेक्ट्रिकल पावर का हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स कहाँ यूज होते हैं, सबने देखा होगा कि मोनोब्लॉक, देखते हैं कि मोनोब्लॉक लगा रहता है, इलेक्ट्रिक पावर से चलता है,
वन हार्स पावर का, टू हार्स पावर का, मतलब कई वैरायटीज में आता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से हम पानी लिफ्ट कर लिए, ठीक है। हम रखे हैं मान लीजिए 10 HP का एक मोटर, ठीक है। उसमें हम उससे हम बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं, जैसे कि आटा पीसने वाली मशीन हो गई, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ गया, और चाफ कटिंग मशीन हो गया, चारा काटने वाली मशीन, उसी मोटर से चला रहे हैं, ठीक है, थ्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल मोटर हैं वो इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं, और इलेक्ट्रिकल मोटर के माध्यम से ही हम बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर किस लिए यूज होता है, ऑपरेटिंग पंप सेट, ठीक है। जैसे हम बता रहे थे कि वाटर लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, पानी जमीन के अंदर से खींचने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, समरसेबल, जेट पंप, मतलब कई प्रकार के हम पंप यूज करते हैं। तो उस वो किस पावर से चलता है, इलेक्ट्रिकल पावर से। सबने देखा होगा कि सबके घर पे पंप लगा होगा, समरसेबल लगा ही होगा, तो वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिकल पावर से, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री कहाँ यूज होता है, डेयरी इंडस्ट्री में। अब डेयरी इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन जो चलती है वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिक पावर से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है। कोल्ड स्टोरेज, अब सोचिए कोल्ड स्टोरेज में इलेक्ट्रिकल पावर की क्या ज़रूरत होगी, तो जो इसमें एसी चलता है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिकल पावर से, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, कोई भी फार्म प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फ्रूट इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी फूड है उसकी प्रोसेस करने के लिए, ये देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब कोई भी फूड है उसकी प्रोसेसिंग करके खाने वाला पदार्थ बनाया जाता है, तो उसमें कौन सा पावर लगेगा, इलेक्ट्रिकल पावर के माध्यम से हम बहुत सारे डिवाइसेस का को ऑपरेट करके, मतलब बहुत से मैकेनिकल डिवाइस को ऑपरेट करके क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करके खाने वाला पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वेरी चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है, या बहुत ही सस्ती होती है। कहने का मतलब कि अभी हम क्या बताए थे, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर और मैकेनिकल पावर, इन तीनों पावर के कंपेयर में जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है बहुत ही सस्ती होती है। मान लीजिए कि हम 2 हार्स पावर का मोटर चला रहे हैं, ठीक है, उससे हम पानी निकाल रहे हैं, मतलब वाटर लिफ्ट कर रहे हैं, तो बिजली बिल कितना आता है, मैक्सिमम आएगा महीने का 2000 रुपये, ठीक है, 2000 या 1000 के बीच में आएगा समथिंग, अगर हम एक एवरेज में सिंचाई कर रहे हैं तो 2000 रुपये में हम लगभग एक महीने, 2000 रुपये में, कहने का मतलब ये है कि हम 10 हेक्टेयर से 15 हेक्टेयर आराम से सिंचाई कर लेंगे, लेकिन वहीं पर हम ऑयल इंजन लाएंगे तो 10 से 15 हेक्टेयर सिंचाई करने में हमारा कास्ट कितना जाएगा, यही लगभग 10,000, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर कैसे सस्ता हुआ कंपेयर टू दूसरे पावर से, ठीक है। अगर हम ह्यूमन पावर भी लगा दिए, ठीक है, अगर हम 10 आदमी लगा दिए और कह दे कि 10 से 15 हेक्टेयर जो है ज़मीन की सिंचाई करनी है, तब तो कास्ट कई गुना ज़्यादा आ जाएगा। तो ये वेरी चीपेस्ट फॉर्म पावर, ठीक है, ये बहुत ही सस्ती पावर है, ठीक है। हाई एफिशिएंसी, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर जितना है वो कंटिन्यू वर्क करता है, ठीक है, कोई मोटर चल रहा है तो वो लगातार चलता ही रहेगा और एक रोटेशन में चलेगा, उसमें एफिशिएंसी कम ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो और नेक्स्ट वन है, कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर पीरियड, ये लगातार लंबे समय तक कार्य कर सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कास्ट इज वेरी लो एंड नॉट अफेक्टेड बाय सीजन, कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस और इसका मेंटेनेंस कास्ट और ऑपरेटिंग कास्ट, ठीक है, वो बहुत कम है और ये इस पे मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इनिशियल कास्ट इन्वेस्टमेंट हाई, मतलब जो हमारी प्रारंभिक धनराशि लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और दूसरा है, रिक्वायर गुड
टेक्निकल नॉलेज एंड इफ़ हैंडल केयरलेसली इट कॉज ग्रेट डेंजर। ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम केयरलेसली मतलब असावधानी पूर्वक अगर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना इससे हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। शॉर्ट सर्किट हुआ और आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो जान भी जा सकती है। ये लास्ट वन है, पांचवा है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए, फार्म पावर के अंतर्गत कौन कौन से पावर हैं, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, और पांचवा है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि यह कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब यह पुनः से नए तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारा कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। इट इज़ एनर्जी मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम बायोमास, सन एंड विंड। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होता है रिन्यूएबल एनर्जी, हमें बायोमास, सूर्य और हवा से प्राप्त होता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पज विथ सुटेबल डिवाइस, यह कृषि में प्रयोग होता है, कृषि के साथ साथ घरेलू कार्यों के लिए भी प्रयोग होता है विथ द सुटेबल डिवाइस। ठीक है, हम कोई सुटेबल डिवाइस लगाकर रिन्यूएबल एनर्जी से, अच्छा आप देखिए ये जो हमारे कॉलेज का बिल्डिंग है इस पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और सोलर सिस्टम से हम बैटरी चार्ज करते हैं जिससे हम कॉलेज में लाइट प्रयोग करते हैं, फैन चलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, डेली चार्ज होता है, डेली एनर्जी ख़त्म होती है, फिर सन लाइट आता है, फिर वो चार्ज होता है, फिर ख़त्म होता है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, पुनः से नए तरीके से मतलब पुनः नए तरीके से एबल हो जाता है। ठीक है, पुनः नए तरीके से एबल हो गया। ठीक है, मतलब आज सनलाइट आया, बैटरी पूरा चार्ज है। ठीक है, रात को हमने लाइट यूज किया, फैन यूज किया, ख़त्म हो गया, कल क्या होगा, फिर से सनलाइट आएगा, वो चार्ज होगा, मतलब पुनः री हो गया, मतलब पुनः हो गया, न्यू मतलब नया हो गया और एबल हो गया, पुनः नए तरीके से एबल हो गया कार्य करने के लिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, बायोमास से, सूर्य से और हवा से। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर, देखिए अभी हम बता रहे थे ना लाइटिंग, कॉलेज में आप देखे हैं सोलर पैनल लगा हुआ, सोलर सिस्टम जिससे बैटरी चार्ज होती है और लाइटिंग करते हैं। ठीक है, कुकिंग, पहले ज़माने में देखे होंगे कि बायोमास से, ठीक है, बायोगैस लेके घर में पाइप सप्लाई देते थे, और बायोगैस क्या होता है, जलता है, तो उससे क्या करते थे, कुकिंग। ठीक है, वाटर हीटिंग, फूड प्रोसेसिंग, वाटर पंपिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये वाटर पंपिंग। अब सोचिए कि रिन्यूएबल एनर्जी से वाटर पंपिंग कैसे हो सकता है, आज से 20-30 साल पहले एक पवन चक्की होता था, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र वगैरह में अभी भी वो सिस्टम है। ठीक है, पवन चक्की मतलब हवा से वो घूमता था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हवा से, उसमें पंखे लगे रहते थे और वो ऐसे घूमता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था, नीचे पूरा सिस्टम लगा होता था, उससे वाटर लिफ्ट होता था, वाटर पंपिंग होता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आपके कॉलेज में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, फार्म पावर का क्या स्टेटस है हमारे भारत में। ठीक है, तो फार्म पावर इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर विच हेल्प इन टाइमली फील्ड ऑपरेशन बाय ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी मशीनरीज।
ठीक है। फार्म पावर कृषि में बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, जिसकी मदद से हम टाइमली, ठीक है, समय पर सारे फील्ड ऑपरेशन कर लेते हैं। किसकी मदद से? फार्म इक्विपमेंट और स्टेशनरी मशीनरीज की मदद से, ठीक है। कौन कौन से मशीनरीज हैं जो फार्म पावर के माध्यम से समय पे उपयोग करते हैं? वो हैं थ्रेसर्स, ठीक है, क्लीनर्स, ग्रेडर्स, इरिगेशन इक्विपमेंट्स और पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट, ठीक है। ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं फार्म पावर के माध्यम से हम अपने फील्ड में सही समय पे करके उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फार्म पावर एग्रीकल्चर में बहुत ही आवश्यक है। इंडिया इज ईयरली प्रोड्यूसिंग मोर देन, मतलब कि हमारा भारत प्रतिवर्ष 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर बनाता है, 10,000 से ज़्यादा पावर टीलर्स बनाता है, 10 लाख से ज़्यादा पंपिंग सेट्स बनाता है और 2,000 से ज़्यादा कंबाइन हार्वेस्टर बनाता है, ठीक है। 8 इंडिया एग्रीकल्चर लैक फार्म पावर, ठीक है। इसके बावजूद भी इंडिया में फार्म पावर की कमी है, विच नीड टू बी इंक्रेज फ्रॉम 1.25 किलोवाट पर हेक्टेयर टू एटलीस्ट 2 किलोवाट पर हेक्टेयर, ठीक है। इतना इंडिया बनाता है तब भी हमारे भारत में फार्म पावर की कमी है। इस समय हमारे पास फार्म पावर कितना अवेलेबल है? 1.25 किलोवाट पर हेक्टेयर, ठीक है, जो हमें कम से कम कितना बढ़ाना है? 2 किलोवाट, मतलब 2 किलोवाट पर हेक्टेयर बढ़ा के करना है। फार्म मैकेनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम देखे थे कि एक साल एग्जाम में आया हुआ था, तो इसको हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस टू डू अ जॉब इन अ बेटर वे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। मीन्स फार्म मैकेनाइजेशन वो चीज़ है जिसमें हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि कार्यों को अच्छे तरीके से करके अपने खेत की उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का उपयोग करके अपने कृषि कार्यों को समय पे करके अच्छे तरीके से करके उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर फील्ड प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत, ठीक है, डेवलपमेंट एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत डेवलप करना और मैनेजमेंट करना आता है सभी मैकेनिकल इक्विपमेंट का। फॉर किसके लिए? फील्ड प्रोडक्शन के लिए, जो भी हमारा इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है, जो भी मशीन यूज हो रहा है उसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। मीन्स फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर क्या आता है? मशीनरीज का नए मशीन बनाना, उसको सही तरीके से मैनेज करना, ये क्या आता है? फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है, जो कि यूज होता है फील्ड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वाटर कंट्रोल के लिए। मीन्स फील्ड प्रोडक्शन के लिए हम कोई भी मशीनरीज बना सकते हैं। और दूसरा है वाटर कंट्रोल। वाटर कंट्रोल करने के लिए हम फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत कोई भी डिवाइस बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे वाटर कंट्रोल, जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, तो ये क्या करते हैं? वाटर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और फील्ड को इरिगेट करते हैं विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यूज, मतलब बहुत ही कम पानी में बहुत अच्छी तरीके से ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन 30-40% बढ़ता है, ठीक है। और मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग,
मतलब कि कोई भी फूड है उसको स्टोरिंग करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए भी कोई डिवाइस बनाया गया है तो वो क्या होगा, फार्म मैकेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, बेनिफिट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, देयर आर वेरियस बेनिफिट ऑफ फार्म, मतलब कहने का ये है कि फार्म मैकेनाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, पहला है टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशन। फार्म मैकेनाइजेशन है, फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत हम ट्रैक्टर हमारे पास है, इंजन है, ठीक है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर के मतलब कृषि के कार्य को करने के लिए बहुत सारे मशीन है। किसके द्वारा ये संभव है, अगर फार्म मैकेनाइजेशन नहीं हुआ होता तो हमारे पास इतना सारा मशीनरीज नहीं होता। तो इन सब मशीन की सहायता से हम क्या कर, कोई भी फार्म ऑपरेशन होगा मतलब कोई भी कृषि कार्य होगा उसे हम बहुत ही कम समय में टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा है प्रिसीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जो हम कार्य करते हैं मशीन के द्वारा उसमें शुद्धता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तीसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। अब मान लीजिए वर्क इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है फार्म मैकेनाइजेशन के माध्यम से, कैसे, मान लीजिए एक मजदूर है, ठीक है, एक मान लीजिए किसान है, रात हो गया है वो खेत में काम कर रहा है, ठीक है, बगल से सर्प आया और उसको काट लिया तो क्या होगा, तो इससे इन्वायरमेंट जो हुआ गंदा हुआ। लेकिन जो हमारे पास मशीनरीज है, आप ट्रैक्टर ले लीजिए, प्लाउजिंग कर रहे हैं रात के 10 बजे भी कर रहे हैं तब भी सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्हेंसमेंट ऑफ सेफ्टी, बात वही है, सेफ्टी भी बढ़ती है मशीनरीज द्वारा अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप एंड फूड प्रोडक्ट्स, कहने का मतलब है कि क्रॉप और फूड प्रोडक्ट्स का जो नुकसान होता था उसे ये बचाता है। कैसे, कहने का मतलब हम गेहूं मान लीजिए आज से 10 साल पहले हम गेहूं की कटाई कर लेते थे, ठीक है, कटाई करके हम रख दिए, अब थ्रेसिंग करना है तो कम से कम एक महीना, मान लीजिए एक हेक्टेयर का गेहूं है तो कम से कम एक महीना उसको थ्रेसिंग करने में लगेगा। तब तक मान लीजिए बीच में बारिश हो गई, आंधी आई, तो हमारा क्या हुआ, कटा हुआ फसल भी नुकसान हो गया, जो मतलब पैदा हुआ था खेत में लेकिन हम उसकी थ्रेसिंग नहीं कर पाए और वो नुकसान हो गया। तो वो क्या कर रहा है, रिडक्शन ऑफ लॉसेस ऑफ क्रॉप एंड फूड प्रोडक्शन। कैसे, अब क्या है कि कंबाइन हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, काट के लाया, तुरंत थ्रेसिंग किए और अनाज को अपने गोदाम में रख लिए, तो क्या होगा, इससे हमारे लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, और छठवां है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इससे जो है कि हम जमीन की जो है उत्पादकता भी बढ़ाते हैं। कैसे, मान लीजिए सिंचाई करना है, ठीक है, हमारे पास मैकेनाइजेशन हुआ है तो पंप्स हैं, पंप सेट हैं, बहुत सारी मैकेनिकल डिवाइस है जिससे हम इरिगेट कर लेते हैं फील्ड को। ठीक है, तो वो टाइमली इरिगेट कर लेते हैं। अब पहले क्या था कि हमारे पास क्या था कि मैनली पावर थे और हम इरिगेट करने में कम से कम 2-3 दिन लगा देते थे, छोटा सा भी फील्ड होता था तो 2-3 दिन लग जाते थे, तो वो कहीं पे पानी पहुंचा कहीं पे नहीं पहुंचा, तो इससे क्या है कि प्रोडक्शन घटता था। और अब क्या है कि हम सिंचाई एक फ्लो में किए, ठीक है, लगातार किए और एक सही क्वांटिटी में किए। ठीक है, मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन है, एक इक्वल अमाउंट में हर प्लेस पे इरिगेट करेगा, मतलब सभी क्रॉप को एक समान मात्रा में पानी मिलेगा, तो क्या है कि कोई फसल पहले बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए 10 पेड़ है एक जगह तो हम मैनली सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, हाथ से सिंचाई कर रहे हैं तो कहीं ज़्यादा पानी दे दिए और कहीं नहीं गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो कोई पौधा सूख गया बिना पानी के और कोई पौधा ज़्यादा पानी से सूख गया, तो हमारा क्या होगा, लॉसेस होगा। लेकिन जब हमारे पास मैकेनाइजेशन हुआ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिला, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम मिला, पंप सेट मिले, तो हम सिंचाई एक समान मात्रा में सभी जगह कर ले रहे हैं। ठीक है, और लास्ट बेनिफिट क्या है, इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न्स टू फार्मर्स।
मतलब कि किसान को जो वार्षिक आय है वो किसान का वार्षिक आय बढ़ाया जाता है। कैसे? पहले मान लीजिए किसी भी कृषि कार्य को करने के लिए एक जो किसान था, ठीक है, वो मान लीजिए लेबर रखेगा, तो क्या हुआ, लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा। अब क्या है, वो ट्रैक्टर से वही काम बहुत थोड़े समय में ही कर लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, किसान का पैसा बचा, ठीक है। ऐसे ही मैकेनाइजेशन से, मैकेनाइजेशन के माध्यम से बहुत सारे जो कृषि कार्य है बहुत कम समय में, बहुत कम पैसे में, टाइम पर होते हैं, जिससे किसान का जो वार्षिक आय है वो बढ़ा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।